नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेरियंस का नॉनवेज खाना, यानी कि कटहल की सब्जी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम कटहल और हाथों में और चाकू पे सरसों का तेल लगाकर इसे हम इस तरह से काट लेंगे। इसको काटने के बाद हम लेंगे एक कुकर और उसमें डालेंगे 2 से 2.5 कप पानी। कुकर में पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/2 इंच अदरक के जूलियंस कटे हुए और 4 से 5 काले मिर्च। उसके बाद हम कटे हुए कटहल के टुकड़े इसमें डाल देंगे। कटहल के टुकड़े डालने के बाद इसमें पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1/2 कप पानी और डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। अब कुकर में सीटी आ चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक ग्रेवी में प्रयोग होने वाली सब्जियों को हम काट लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 मध्यम आकार की प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च और 10 लहसुन की कलियां। इन सबको हम बारीक काट लेंगे। अब कुकर भी ठंडा हो चुका है, हम इसका ढक्कन खोल लेंगे और कटहल को छान लेंगे। कटहल को छानकर इसका पानी फेंकना नहीं है, इस पानी का प्रयोग हम मसालों को भुनने के लिए करेंगे। ये देखिए, इस पानी को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और कटहल को छान लिया है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 1/2 कप सरसों का तेल और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें कटहल डाल देंगे और इसको कटहल को हम मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भुनेंगे। कटहल को भुनने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। अब कटहल सुनहरे हो चुके हैं, हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। कटहल को कढ़ाई से निकालने के बाद आप गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि इस समय कढ़ाई बहुत गर्म है और जो भी मसाले आप डालेंगे वो जल सकते हैं। कढ़ाई के ठंडे होने के बाद हम गैस को दोबारा ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हींग, 1/4 टेबल स्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। खड़े मसालों के क्रैकल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और प्याज। सबको कढ़ाई में डालकर हम मध्यम आंच पर इन्हें भुनेंगे। प्याज को हम 2 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि ये थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, और जब ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मैंने घर का बना हुआ धनिया पाउडर प्रयोग किया है। अगर आप बाजार का बना हुआ धनिया पाउडर प्रयोग करते हैं तो आप बाकी के मसालों के साथ ही उसे डालें। धनिया पाउडर डालकर हम प्याज को सुनहरा होने तक भुनेंगे। अब हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है, अब हम इसमें एक बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सब्जी मसाला। इन मसालों को हम प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें मध्यम आँच पर भुनेंगे। इन मसालों को भुनते समय जो कटहल को उबालकर हमने पानी बचा के रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इन मसालों को हम भुनते जाएंगे। हम सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हमने इसमें सारा पानी डाल दिया है, अब हम इसे मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से इसमें सारे मसालों का स्वाद अच्छी तरह से घुल जाएगा और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोल लेंगे और मसालों को तेज आंच करके भून लेंगे। जिस तरह से नॉनवेज बनाते समय मसालों को काफ़ी देर तक अच्छी तरह से भुना जाता है, उसी तरह से कटहल के मसाले को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है, तभी इसका स्वाद नॉनवेज जैसा ज़बरदस्त आता है। इन मसालों को अब हमने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और इसमें से तेल बाहर आ चुका है और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम भुने मसाले को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुकर में मसालों को ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमने कटहल फ्राई करके रखा था उसे भी हम कुकर में डाल लेंगे और 2 मिनट के लिए कटहल को मसालों के साथ हम मध्यम आंच पर भून लेंगे।
अब कटहल को मसाले के साथ भुनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का प्रयोग किया है। 1.5 कप पानी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ताकि कढ़ाई में लगे मसाले भी कुकर में डाले जा सके, और कढ़ाई में लगे मसालों को मैंने पानी में घोल दिया था। 200 ग्राम कटहल के लिए 1.5 कप पानी काफ़ी है। कटहल और मसालों के साथ पानी को मिलाने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मध्यम आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में अब सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। 5 मिनट के बाद अब कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे और ये देखिए हमारी शानदार कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे चावल रोटी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया डालने से ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।